नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ किरण। एक दुखद खबर सामने आई है रामनगर से, जहां पर आज सुबह नेशनल हाईवे 309 रानीखेत रोड पर बस की चपेट में आने से दो स्कूटी सवार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि आज सुबह मोहल्ला भरतपुरी निवासी गिरीश चंद्र पांडे और विक्रम सिंह नेगी दोनों ही स्कूटी से रामनगर स्थित शमशान घाट में किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन इस बीच रानीखेत रोड रोडवेज बस स्टेशन के सामने लखनपुर की ओर से आ रही एक प्राइवेट बस की भिड़ंत उनकी स्कूटी से हो गई, जिसके बाद स्कूटी और स्कूटी में सवार दोनों लोग बस के नीचे दब गए, जिसके बाद वो बस समीप में खड़ी एक कार से टकराकर रुक गई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। तो वहीं घटना के बाद मौके पर भगदड़ मच गई और आसपास के लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बस के नीचे दबे दोनों स्कूटी सवार लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और उनको उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसी के साथ आपको बता दें कि घटना के बाद जिस कार से यह बस टकराई थी उसमें सवार एक बालिका के भी चोट लगी है। जानकारी दे दें कि घटना की सूचना मिलने के बाद मृतकों के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा काटने के साथ ही पुलिस प्रशासन के यातायात को लेकर बनाए गए सिस्टम पर कई सवाल खड़े करते हुए हंगामा भी किया। तो वहीं घटना को लेकर मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक विक्रम सिंह नेगी सेना में तैनात हैं और आजकल छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे, जिन्हें शनिवार को ड्यूटी पर वापस जाना था। घटना की जानकारी मिलने के बाद नायब तहसीलदार दयाल चंद्र मिश्रा भी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घटना की जानकारी ली। आपको बता दें कि घटना के बाद पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है। तो वहीं नायब तहसीलदार दयाल चंद्र मिश्रा ने बताया कि घटना का कारण बस के ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। ये जो है बस प्राइवेट बस है, जो लखनपुर से काशीपुर बस स्टॉप के लिए आ रही थी, तो रास्ते बस स्टेशन के रोडवेज बस स्टेशन के पास वो बस जो है बस का ब्रेक अनंत मतलब का फेल होने से या अनंत होने की बता रहे हैं, जिसमें दो स्कूटी सवार जो है उसकी विपरीत दिशा से आ रहे थे, बस से उनकी भिड़ंत तो हो जाए, जिससे उनकी आकस्मिक मौत हो गई है, घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। मैं एक्स सूबेदार मेजर गोविंद सिंह मंडराल काशीपुर से, मैं अपना रिलेशन किसी के शादी में जा रहा था गाँव में देवायल, तो इतने में मैं यहाँ पर आया। आने के बाद जैसे ही हम ये रामनगर को क्रॉस से निकल रहे थे, इतने से गाड़ी आई राजेंद्रा की और ये 50 मीटर से अपनी साइड को छोड़ करके अपनी साइड को घिसते हुए आया। पहले स्कूटी वाले को इसने दबाया, उसके बाद में मेरे कार पाया, फिर मेरे कार जब इसके आगे से लगी तिरछी हो गई कार, तब जा करके ये गाड़ी रुक पाई, नहीं तो ये पूरे फल वाले सारे के सारे इन्होंने ख़त्म हो जाना था। जो स्कूटी में सवार थे दो लोग जी, घायल हैं, उसको अस्पताल हॉस्पिटल ले गए हैं उनको सर। हम तो गाड़ी के अंदर उनके बाद, और मैं भी बड़ी मुश्किल से इस वजह से निकला हूँ। गाड़ी की कंडीशन आप चोट तो नहीं लगी, लड़की को थोड़ा जबड़े में लगी है सर, और मैंने ब्रेक लगाया था और इससे वो गाड़ी रुक गई थी, फिर थोड़ा सा 2-3 मीटर उनको घसीट करके ले गई गाड़ी को और वहाँ पर रुक गई। रामनगर में शुक्रवार की सुबह दिल दहलाने वाला एक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 309 रानीखेत रोड में शुक्रवार की सुबह दो स्कूटी सवार शमशान घाट में किसी का अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे, इसी बीच एक प्राइवेट यातायात बस ने स्कूटी सवार युवकों को टक्कर मार दी। बताया जा रहा कि हादसा इतना ज़बरदस्त था कि काफ़ी दूर तक बस के नीचे घसीटते हुए दोनों स्कूटी सवार गए। मौके पर भगदड़ मच गई और मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, तथा मौके पर पहुंची पुलिस व आसपास के लोगों ने बमुश्किल बस के नीचे फंसे दोनों स्कूटी सवार घायलों को अस्पताल उपचार के लिए पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि इसके साथ ही बस एक समीप में खड़ी कार पर टकरा गई, यदि यह बस कार से नहीं टकराती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था और कई लोगों की जान जा सकती थी। बताया यह भी जा रहा है कि कार में सवार एक बालिका भी चोटिल हुई है, जिसका उपचार चल रहा है, लेकिन घटना के कारणों की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से यह हादसा हुआ है, पूरे नेशनल हाईवे रानीखेत रोड पर जहाँ को लोगों में भगदड़ मच गई, तो वहीं लोगों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार रामनगर में अगर यातायात बसों की जांच की जाए तो काफ़ी मात्रा में अनियमितता इन बसों में मिलेगी। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों से भी ऐसी बसों की जाँच की मांग की है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मामले की जाँच में जुटा हुआ है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे जे एन न्यूज़।
ये खबर तैयार की है रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल की इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जे जे एन न्यूज के साथ। धन्यवाद।